सुनील का मिशन राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के आखिरी बचे जंगलों में से एक को बचाना है। डेली मेरा जो सुबह होती है ना, वो डर के साथ शुरू होती है। हर रोज कोई ना कोई डर होता है। लेकिन जंगल की रक्षा की भी अपनी कीमत होती है। रियल एस्टेट सेक्टर वाले यहाँ निर्माण करना चाहते हैं और माइनिंग वाले माइन खोदना। अपने प्यारे जंगल को बचाने के लिए बहुत हिम्मत चाहिए। ये एक जुनून है। अगर ये नशा जो है ना एक बार आ जाता है ना, तो फिर इसका जितना मजा किसी भी चीज में नहीं है। सुनील को अपने जंगल से बहुत लगाव है और वे इस लगाव को आगे बढ़ा रहे हैं। फरीदाबाद और गुरुग्राम के बीच दिल्ली हरियाणा सीमा पर मांगरबनी नामक 250 हेक्टेयर का एक जंगल है, जिसे समय आज तक छू नहीं सका। ये पवित्र वन अब तक शहरी अतिक्रमण के प्रयासों को विफल करने में कामयाब रहा है। भारत के सबसे कम वन क्षेत्र वाले राज्य हरियाणा के लिए अरावली में स्थित मांगरबनी जैसे जंगल उम्मीद की आखिरी किरण है। यही जंगल स्थानीय संरक्षणवादी सुनील हरसाना का घर भी है। गांव से मैं पैदा हुआ हूँ, तो पूरा जो बचपन था वो यहीं पे जंगल में खेल के ही बड़ा हुआ हूँ। मेरा परिवार जो है वो पशुपालन करके ही गुजारा करते थे। मेरा फर्स्ट जो लेसन था जंगल के साथ, वो बकरी चराने के साथ ही शुरू हुआ था। वह जंगल में गुजरा हुआ उनका बचपन ही था जिसने प्राचीन अरावली के साथ उनका अटूट नाता जोड़ दिया। वे लगभग 10 सालों से बायोडायवर्सिटी डॉक्यूमेंटेशन, जागरूकता अभियान और एडवोकेसी के माध्यम से अरावली के जंगलों के संरक्षण के लिए काम कर रहे हैं, जिसमें मांगरबनी भी शामिल है। सुनील एक ऐसे समुदाय से आते हैं जो मांगर को एक पवित्र जंगल मानता है। चरवाहा गुज्जर समुदाय सदियों से मांगरबनी के संरक्षक संत गुदरिया बाबा की पूजा करता आ रहा है। माना जाता है कि इन बाबा की आत्मा मांगर की रक्षा करती है। बचपन से ही एक सिस्टम था हमारे यहाँ पे कि कोई भी काम जो है वो मांगरबनी की पूजा के बिना नहीं होता। सबसे पहले गुदड़िया बाबा की पूजा होती है। गुदड़िया बाबा की जो कहानियाँ हमने सुनी है, जिसमें हर बार यही जोर दिया है कि जिस जंगल को मांगरबनी के एरिया में अगर कोई छोटा सा भी नुकसान करेगा तो उसका भी नुकसान होगा। इस श्रद्धा ने यहाँ के जल स्रोतों की रक्षा करने और एक स्वस्थ इकोसिस्टम बनाए रखने में मदद की है, जो विविध प्रजातियों का घर है। लेकिन केवल आध्यात्मिक विश्वास ही मांगरबनी को बचाने के लिए पर्याप्त नहीं है, क्योंकि बाजार की ताकतें लगातार मजबूत होती जा रही हैं। अवैध खनन और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट का खतरा हर रोज खड़ा है। गांव की सामुदायिक जमीन का तेजी से निजीकरण किया जा रहा है और उसे बिल्डरों को बेचा जा रहा है। जो हमारी एक जनरेशन जो बुजुर्ग थे वो तकरीबन चली गई है, जो जंगल को बचाती थी। बीच में एक जनरेशन जो अभी लीड कर रही है गांव को, उसके टाइम पीरियड में प्राइवेटाइजेशन हुआ था, खरीद फरोख्त हुई थी, तो वो ज्यादातर जो है प्रॉपर्टी डीलर या माइनिंग के एंगल से सोचने वाले लोग हैं। सुनील का चुना हुआ रास्ता कठिन है। इस तरह का काम करने में थ्रेट्स तो रहते ही हैं, और सबसे बड़ी बात यह होती है कि अगर आप ग्राउंड लेवल पे काम कर रहे हो तो फिर तो आपको हर तरह का खतरा है। यही डर रहता है कि कहीं हम फेल ना हो जाएं और हमारी जो पूरी मेहनत है वो खराब ना हो जाए। हमारा जो पारंपरिक जो धरोहर है, जिसको किसी न किसी तरीके से बचाने में हम लगे हुए हैं, वो अगली जनरेशन तक पहुंच जाए। सुनील मानते हैं कि इस जंगल को बचाने का एकमात्र तरीका है अपनी पीढ़ी का इस जंगल के साथ एक मजबूत रिश्ता बनाना, ठीक वैसा ही जैसा उनका अपने बचपन में बना था। ये इसके रूट्स थे, इसकी स्टार्टिंग यहाँ पे रही होगी, यहाँ पे। मतलब ये जो एरिया है जहाँ मैं खड़ा हूँ,
ये मिट्टी यहाँ तक आती होगी। रियलाइज हुआ कि बच्चों को जो अगली जनरेशन है अगर जंगल बचाना है तो इन्हें किसी और साइड में ले जाना होगा और उसका एक ही ऑप्शन है एजुकेशन। उन्होंने 2015 में मांगर इको क्लब की स्थापना की। जो हमारा गवर्नमेंट स्कूल में जो बच्चे जाते हैं उनको हम साथ लेकर के छोटी छोटी एक्टिविटीज हमने शुरू की, बर्ड्स के बारे में, पेड़ों के बारे में, बटरफ्लाई के बारे में, फिर जंगल की इम्पोर्टेंस क्या है। संडे टू संडे ही रेगुलर एक्टिविटीज ऑर्गेनाइज करते हैं। ठीक है, अब जहाँ जगह भी तेरी बर्ड होगी, मान लो तेरी बर्ड यहाँ बैठी है तो फिर दूरबीन तेरी वहाँ लग जाएगा, फोकस हो जाएगी। फर्स्ट स्टेज होता है हमारा बर्ड काउंट कि इस हर वीक में हमारा कितना जो है यहाँ पे बर्ड्स की प्रेजेंस दिख रही है। फिर बरसात के टाइम में जो सोयल इरोजन वाले जो एरियाज हैं उनको आइडेंटिफाई करके रखते हैं और वहाँ पे आसपास से स्टोन वगैरह जो है कलेक्ट करके चेक डैम वगैरह बना देना। अप्रैल से सीडिंग सीजन शुरू हो जाएगा तो फिर हम सीड कलेक्शन करना शुरू कर देते हैं। ठीक जब सीजन बिल्कुल पूरा ठंडा मौसम होता है उस टाइम कुछ ज़्यादा बर्ड वगैरह नहीं दिखती हैं तो हमने प्लास्टिक कचरा वगैरह जंगल से वो सफाई कर दी। आज सुनील के साथ युवाओं की एक फौज है जो उनके काम को आगे बढ़ाएगी। एक ऐसे दौर में जब पूरी दुनिया जलवायु परिवर्तन और पशुजन्य रोगों से जूझ रही है, जंगलों की रक्षा करना और भी महत्वपूर्ण हो गया है। ऐसे समय में सुनील जैसे जमीनी स्तर पर काम कर रहे संरक्षणवादी नेताओं की भूमिका बहुत ही महत्वपूर्ण है, जिन्होंने अपने गांव की एक पूरी पीढ़ी को ही नहीं बल्कि और भी अनगिनत लोगों को जागरूक किया है। सुनील और उनके जैसे अन्य लोगों के जुनूनी काम में मदद करना ही दुनिया के सबसे पुराने वलित पर्वतों को पुनर्जीवित करने का एकमात्र जरिया है।